नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है गढ़वाल शैली। तो आपकी कांगड़ा शैली हो चुकी थी, अब नंबर है गढ़वाल शैली का। हम गढ़वाल शैली पढ़ाएंगे और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो हमारा सिलेबस है वो बढ़ रहा है। और उसके बाद हम आ जाएंगे आपके आर्टिस्ट पर, बंगाल स्कूल पर। धीरे धीरे ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप लोग भी कोशिश करते रहें घर पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय ज़्यादा से ज़्यादा दें घर पर पढ़ने के लिए। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं गढ़वाल शैली के बारे में मैं बताती हूँ। तो गढ़वाल शैली जो है दोस्तों, वो 16वीं सदी से 19वीं सदी तक जो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो शैली प्रचलित रही वो गढ़वाल शैली थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं गढ़वाल शैली क्या है। तो आप देखेंगे गढ़वाल शैली का राज्य जो है वो उत्तराखंड है। राज्य उत्तराखंड, ये देखिए आपको दिख रहा होगा राज्य उत्तराखंड है। कुछ बच्चों के शायद कुछ सवाल हैं, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे परेशान हैं, सवाल हैं बिल्कुल बच्चों की, जैसे बुक्स को लेकर, बुक्स कौन सी पढ़ेंगे। तो देखिए, बुक्स और कुछ आपके कमेंट्स हैं उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं एक अलग से आपको वीडियो बनाती हूँ। और जो मेरा मोटिवेशनल वीडियो होता है उसमें आपको बुक्स और इसके बाद ही मैं बनाऊँगी। तो उसमें मैं आपकी बुक्स और आपके जितने भी कंक्लूजन हैं सारे ही मैं दूर करूँगी। कुछ बच्चों की क्लास को लेकर भी हैं, तो मेरा बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को चलता है 9 बजे से, दिन में अभी मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि कुछ जो ऑफलाइन बच्चे थे उनका ऑनलाइन चल रहा है दिन में, तो उनका थोड़ा अलग है। लेकिन आपका शाम को चलेगा 9599670200 पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखिए, जो गढ़वाल शैली है उसका राज्य क्या है, उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड की शैली है गढ़वाल शैली, और इसकी जो खोज की थी वो मुकंदी लाल बैरिस्टर ने की थी। मुकंदीलाल बैरिस्टर ने। अब सवाल आता है, इन्होंने खोज कब की थी, दिखाई आपको शायद नहीं दे रहा हूं, मैं रिपीट कर देती हूँ। मुकंदीलाल बैरिस्टर ने खोज की थी गढ़वाल शैली की, और कब की थी, 1908 ईस्वी में। कब, 1908 ईस्वी में। ये देखिए, अब आते हैं इनके प्रसिद्ध कलाकार। तो इनके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं मोलाराम। याद रखेंगे गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम हैं। कौन है, मोलाराम। मोलाराम की कला की जो प्रशंसा है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। मोलाराम की कला की प्रशंसा बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी। और मानकू एक इसके कलाकार हैं, उनका एक चित्र है सुनहरी और आंख मिचोनी। सबसे पहले आप इनका इनकी विशेषता देख लीजिए, चित्र मैं आपको लिखाऊंगी, अभी लास्ट में लिखा देती हूँ। गढ़वाल शैली के चित्रों की जो विशेषता है, तो विशेषता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक, किस शैली की विशेषता है। तो आप सीधा सीधा लगाएंगे ऑप्शन गढ़वाल शैली की विशेषता क्या है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक। ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से ही आता है। अब मैं आगे इसमें कुछ बता देती हूँ, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। गढ़वाल शैली का राज्य क्या है, उत्तराखंड। खोज की थी मुकुंदीलाल बैरिस्टर ने 1908 ईस्वी में। प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम है। विशेषता है स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक। अब मैं इसमें आगे कुछ आपको और बता देती हूँ, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है गढ़वाल शैली में। पर प्रश्न आता है, देखेंगे जो इसमें एक सुलेमान शिकू है, यह मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा था। सुलेमान शिकू, ये मुगल शहजादा हैं और ये गढ़वाल शैली में
शरण लेने आए थे। मुगल शैली से भागकर और ये गढ़वाल शैली में शरण लेने पहुंचे थे। और सुलेमान सिको के साथ, इनके साथ दो चित्रकार और थे। आप देखेंगे साथ में दो चित्रकार थे, उनका नाम क्या क्या है। सुलेमान सिको के साथ दो चित्रकार और गढ़वाल शैली में शरण लेने के लिए पूछे थे, रामदास और हरदास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि सुलेमान सिको के साथ वो कौन से दो चित्रकार थे जो गढ़वाल शैली में शरण लेने पहुंचे थे, तो आंसर लगाएंगे रामदास और हरदास। ठीक है, अब आगे देखेंगे गढ़वाल शैली का विषय क्या था चित्रों का। तो गढ़वाल शैली के चित्रों का जो ज्यादातर विषय था वो था पुराण, पुराणों पर ज्यादा चित्र बने हैं। पुराण, ये देखिए गढ़वाल शैली के चित्रों का जो विषय था वो था पुराण। अब इसमें एक चित्र है सुनहरी और आंख मिचोनी चित्र, सुनहरी और आंख मिचोनी। ये चित्र मानकू का है। किसका है ये चित्र? मानकू का है। चित्रकार कौन है इसके? मानकू, याद रखेंगे ये चित्र पूछा गया है इसलिए मैं आपको स्पेशली इसमें लिखा रही हूँ। बाकी इसके कुछ चित्र हैं राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए और काफल ट्री, राधा कृष्ण दर्पण देख रही हैं मतलब शिक्षा देख रही हैं उनका एक चित्र है और एक काफल ट्री का चित्र है। तो ये कुछ चित्र हैं इसके और ये गढ़वाल शैली है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन एक प्रश्न आ जाता है तो पढ़ना आप सभी जरूरी है, जो भी दिया गया है आप उन सबको पढ़ेंगे। और जो समय है इस समय को लेकर घबराइएगा मत। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कैसे पढ़ें, घबराहट हो रही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र होकर घर में रहिए और पढ़िए और घर से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। जो भी मटेरियल अभी आपके पास है उसी से घर पे रहकर पढ़िए। जो भी किताबें हैं तो किताबें ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। अब आगे मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियो सोच रही हूँ, मैं जो समय है समय के अकॉर्डिंग कुछ लेकर आती हूँ और उसमें जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, चाहे वो क्लास को लेकर हूँ, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हूँ, चाहे वो बुक्स को लेकर है, मैंने बुक्स डाली भी हैं टेलीग्राम पर, आप देख सकते हैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना है उसमें मैंने बुक्स डाली हैं कौन सी बुक्स आपको लेनी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे परेशान हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।